लाइफ में प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी आ सकता है, और उस टाइम पे जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन दिखता है लोगों को कि या तो अपनी सेविंग खत्म कर दें या फिर अपना जो म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टमेंट है उसको बेच दें। इन दिस वीडियो में वी टॉक अबाउट कि आप कैसे म्यूचुअल फंड बिना बेचे उस म्यूचुअल फंड पे कुछ लोन या कुछ अमाउंट ले सकते हो टू हेल्प योर फाइनेंशियल क्राइसिस। यू नो लाइफ में प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी आ सकता है, और उस टाइम पे जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन दिखता है लोगों को कि या तो अपनी सेविंग खत्म कर दें या फिर अपना जो म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टमेंट है उसको बेच दें। नाउ अगर आपकी किस्मत सही है और म्यूचुअल फंड आपका प्रॉफिट में चल रहा है देन देयर इज नो इशू, ठीक है, स्टिल देयर इज द इशू बट आई कैन सी कि मतलब कंडीशन वो अच्छी है, बट अगर वो लॉस में चल रहा है उसको आप बेच रहे हो देन दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो इन दिस वीडियो में वी टॉक अबाउट कि आप कैसे म्यूचुअल फंड बिना बेचे उस म्यूचुअल फंड पे कुछ लोन या कुछ अमाउंट ले सकते हो टू हेल्प योर फाइनेंशियल क्राइसिस। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हम फाइनेंस ट्रेडिंग और स्टॉक से रिलेटेड की बात करते हैं, आप कैसे उससे पैसा अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इस वीडियो में पूरे मैं डिस्कशन करूंगा, डिटेल बताऊंगा क्यों ये अच्छा है, क्या कर सकते हो इसमें आप, वो सब बताऊंगा मैं। बट उसके पहले एक स्टोरी में बताना चाहता हूं, ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था एक अच्छा खासा अमाउंट, ओके, मार्केट वॉज एट डाउन साइड, उनका एक मेरे ख्याल से 25% का लॉस चल रहा था मार्केट में, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनकी मदर बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, उनके पास पैसे कम थे, खत्म हो गए पैसे सारे, एंड देन ही हैव टू एग्जिट हिज पोजीशन, म्यूचुअल फंड बेचना पड़ा उसको लॉस में, एंड देन उस पैसे से उन्होंने अपने मदर का इलाज कराया। नाउ अगर उस टाइम पे उनको ये पता होता कि आप म्यूचुअल फंड को बिना बेचे भी पैसे निकाल सकते हो उससे, तो शायद उनके म्यूचुअल फंड बच गए होते आज, और वो रिटर्न आज की डेट में मेरे ख्याल से 1.5% या फिर 1.5 times या फिर 2 times होता वो रिटर्न, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट वॉज वेरी लो और मार्केट अभी काफ़ी ऊपर है उस पर्टिकुलर केस से, ठीक है। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं तो आप क्या कर सकते हो उसका डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल, किसको मिल सकता है और कौन ले सकता है ये लोन, ठीक है। तो इफ यू हैव अ म्यूचुअल फंड, आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड है, तो आप उस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। अब ये अलग अलग बैंक्स का अलग अलग केस होता है, SBI के म्यूचुअल फंड्स का अलग होता है, HDFC के म्यूचुअल फंड का अलग होता है, एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड का, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देता है उस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, जो भी आपका रिटर्न मिलता है या फिर जो भी आपको लोन अमाउंट सैंक्शन होता है उतना आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाता है आपके अकाउंट में। मतलब अगर आपके खाते में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, सॉरी 50 लाख बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे में भी नहीं उतने, तो मतलब ये इतना अमाउंट नहीं लेते हम, 5 लाख है, ठीक है, और आपको जो ओवरड्राफ्ट लिमिट या फिर लो जो लोन की अमाउंट मिली है वो 2 लाख की मिली है, तो आप 2.5 लाख रुपये तक अपने खाते से निकाल सकते हो और बाकी का जो एक्स्ट्रा 2 लाख है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट कितना लगेगा हम आगे की वीडियो में बात करते हैं। नाउ दूसरा पॉइंट कि कितना लोन मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड के अमाउंट 10 लाख है तो आप 10 लाख का लोन ले सकते हो, ये अलग अलग बैंक पे वैरी करता है और अलग अलग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड पे भी वैरी करता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक की, तो आप उसमें जो आपका नेट एसेट वैल्यू है NAV है उसका 50% ले सकते हो अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है और 80% ले सकते हो अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है। फॉर एक्सिस बैंक अगर हम बात करें तो वो आपको 85% तक देती है अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है और 60% तक देती है अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको एग्जाम्पल की तरह है कि मान लेते हैं अगर आपका 10 लाख का टोटल NAV है, नेट एसेट वैल्यू है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और आपको लोन चाहिए उस पर, तो यू कैन गेट अप टू 60% और 80% डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। नाउ अब तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या हर म्यूचुअल फंड पे आपको लोन मिल जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो भी बैंक्स हैं वो कुछ म्यूचुअल फंड्स अपने चुन लेते हैं उस पर ही वो लोन या फिर उस पर आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं। अब देखिए ये एक तरीके से वो उनका बैंक का एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया बना दिया, किसी म्यूचुअल फंड का एक्स्ट्रा फीचर हो गया, ठीक। अब जैसे कोई फ़ोन बेचता है तो उसमें एक नया फीचर डाल दिया, ऐसे ही म्यूचुअल फंड बेचने से पहले वो एक नया फीचर डाल देते हैं कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड को बाय किया तो इस म्यूचुअल फंड में आपको ओवरड्राफ्ट या लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे SBI का है तो SBI म्यूचुअल फंड पे आप लोन ले सकते हो, ये उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको लोन नहीं मिलेगा, तो ये चीज पहले चेक कर लेना आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से पहले। अब मैंने पहले वाले पॉइंट में बात की थी कितना परसेंट आप ले सकते हो, अब एक कोई अपर लिमिट भी होती है कि नहीं होती है, ये चौथी पॉइंट है, ठीक है।
अपर लिमिट लोअर लिमिट भी होता है म्यूचुअल फंड में लोन लेने का। ऐसा नहीं है कि आपका अगर मान लेते हैं अपर लिमिट 1 करोड़ पहुंच जा रहा है, जैसे मान लिया आपका 60% 80% 1 करोड़ पहुंच जा रहा है तो आप उतना ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो उस अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो मिनिमम लोन अमाउंट जो ICICI बैंक में है वो है 50,000 रुपीज़ का। तो आपका अगर NAV ठीक है 50,000 से कम आ रहा है, 50,000 के कम आ रहा है तो आप लोन नहीं ले सकते हो। ठीक, मैक्सिमम अमाउंट है आपका 20 लाख का। ओके, तो अगर आपका जो NAV है या फिर 60% जो भी पड़ रहा है वो 20 लाख से ऊपर पड़ रहा है तो आपको सिर्फ उस लिमिट तक ही मिलेगा, 20 लाख तक, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा लोन। ये बात हुई इक्विटी म्यूचुअल फंड की। ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड में आप अप टू 1 करोड़ तक ले सकते हो। एंड यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने जब पिछले परसेंटेज में बात की थी तो डेट म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा परसेंटेज तक का मिल रहा था लोन। ठीक है, मतलब कि जितना भी आपका NAV है उसमें आप 80% तक निकाल सकते हो पैसे। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी अपर लिमिट डेट म्यूचुअल फंड की ज्यादा है। ठीक है, अब इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा है। म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या डिफरेंस है कि इक्विटी में आपको कम मिल रहा है सब कुछ और डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिल रहा है सब कुछ। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, देखते हैं किसको पता है इसके बारे में। नाउ पांचवा पॉइंट कि कोई फायदा है इसका लेने का कि नहीं का। ठीक है, तो देखिए इसके फायदे दो हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है और इसके फायदे दो हैं। पहला ये कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। ओके, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट समवेयर अराउंड 8-10% अलाई करता है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड पे अगर लोन ले रहे हो तो 8-10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड पे लोन ले लिया है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक, मान लेते हैं आपने अभी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं म्यूचुअल फंड में, उस 10 लाख पे आपने 8 लाख का लोन ले लिया। ठीक, 10 लाख पे 8 लाख का आपने लोन ले लिया। अब ऐसा नहीं कि वो 10 लाख की वैल्यू 10 लाख ही रहेगी। 10 लाख आपका एक्चुअली इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। वो जैसे जैसे ग्रो करेगा आपका पैसा वैसे वैसे ग्रो करते रहेगा। ठीक, आप बैंक्स को वो गिरवी रख रहे हो। ठीक है, अपना म्यूचुअल फंड बैंक को गिरवी रख रहे हो, बैंक को ये राइट दे रहे हो कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपका म्यूचुअल फंड वो बेच के अपना पैसा निकाल लेगा। लेकिन वो राइट नहीं है कि वो पैसे कभी बेच देगा। ठीक है, अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया तो आपका म्यूचुअल फंड आपको वापस मिल जाएगा और जितना रिटर्न उसमें होगा उतना रिटर्न भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी और तीसरा ये कि काफी आसान होता है। ठीक है, बैंकों के लिए ये चीज करना बहुत आसान है बिकॉज उनके पास एक मॉर्गेज है। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कभी भी डिफॉल्ट करते हो तो वो आपका म्यूचुअल फंड बेचेंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे। तो उनके लिए बहुत इजी होता है इस पर्टिकुलर केस में लोन इशू करना। ऑन द अदर एंड अगर आप मान लेते हैं ऑटो लोन लेते हो या फिर पर्सनल लोन लेते हो तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगेगा, उसमें नौटंकी भी ज़्यादा होती है, आपको ये डॉक्यूमेंट बनाओ वो डॉक्यूमेंट बनाओ सब कुछ आके दो जाके। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको शायद पसंद नहीं आएंगी। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। ये है कम्प्लीटली ऑल अबाउट टेकिंग लोन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, आप अपने शेयर्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो, उसको भी प्लेज कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट लेट मी इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके, इस वीडियो में अगर आपको कुछ सही लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे और भी वीडियोज लाइंड अप हैं और सब के सब आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।